और इस वक्त की अहम खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर हैं, दिल्ली दौरे पर हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी इस वक्त मुलाकात हो रही है। ये बहुत अहम तस्वीरें, भारत अमेरिका संबंधों के मद्देनजर भी इन तस्वीरों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री आए हुए हैं दिल्ली दौरे पर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है शाम को। उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो रही है, यानी अमेरिकी विदेश मंत्री इस वक्त भारत में अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री आपस में मिल रहे हैं, मुलाकात बेहद अहम और अमेरिका और भारत के संबंधों के मद्देनजर भी इस मुलाकात को बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद शानदार मुकाम पर पहुंच चुके हैं और जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी नई सरकार की तरफ से इस बात को बार बार दोहराया गया है कि भारत से अमेरिका आज की तारीख में बहुत अच्छे और बेहतर संबंध चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के काल में भी हमने देखा भारत और अमेरिका के संबंध, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के किस्से और भारत अमेरिका के संबंध बेहतर होते नजर आए और जो बाइडेन इन्हीं रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री की यह भारत यात्रा इसी के मद्देनजर बहुत अहम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अपने काउंटर पार्ट से मिलते हुए एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, इस दौरे से क्या उम्मीद है, ये मुलाकात कितनी अहम है, जरा बताएं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात कितनी अहम है इस बात का जवाब इसी से आप समझिए कि पिछले दो तीन चार महीने में अगर आप देखें तो जिस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्री पहले आए, अब अमेरिका के विदेश मंत्री आए, इससे पहले भारत के विदेश मंत्री यहाँ गए थे, तो ये जो हाई प्रोफाइल विजिट का जो सिलसिला शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ये अपने आप में ही बेहद निर्णायक है। और इस 20-22 घंटे के दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मिले हैं और अभी लगभग 3-3.5 घंटा वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ रहेंगे। अब इस 3 घंटे में दुनिया भर की बातें होंगी, जाहिर है बायलेटरल भी होगा, रीजनल भी होगा, ग्लोबल भी होगा, बातें अगर अफगानिस्तान, चीन और दुनिया के अलग अलग हिस्से की होगी तो भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर डायरेक्शन। सुनते हैं मनीष, इस वक्त एस जयशंकर कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड पैंडेमिक हैज एडेड न्यू फैसेट्स टू आवर ग्रोइंग कोऑपरेशन इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर वर्ल्ड। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी in the Indo-Pacific is as important for both of us as democratic stability in Afghanistan. Deepening the Quad as a collaborative platform is in our mutual interest, and we must work together even more closely on key contemporary challenges like terrorism, climate change, pandemics, and resilient supply chains. In democratic societies, it is also natural that legitimate concerns and people's aspirations will find expression, including in foreign policy. Our conversations on global issues in a rebalancing world would surely be richer from real exchanges of national experiences and historical perspectives. Once again, let me say how good it is to see you here, and I invite you to make your opening remarks. Well, thank you so much. It is wonderful to be back in India, but for the first time in my capacity as Secretary of State, it's always a great pleasure to be with you. We've had the opportunity to know each other and work together for many years now, going back to the last time I was in government, and I deeply appreciate the work that that we've been able to do together and the work that I believe we're going to be able to do together in the coming months and years. And I really couldn't have said it any better than you just did. But let me say simply that as we're looking at it, as the United States sees it, there is not a single major challenge that has an impact on the lives of our citizens. मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर एस जयशंकर ने की, जिन्होंने 5-6 बड़े मुद्दे रखे, जिसमें शुरुआत की कोरोना को लेकर, कि कोरोना को लेकर कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं than ever, I think, on cooperation, coordination, collaboration among countries, especially among countries who
share basic perspectives, basic values. आपसी सहयोग की बात करें टीम ब्लिंकन, आपसी सहयोग खासतौर पर उन देशों को लेकर जो तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं. We've seen over the last couple of decades a relationship that has grown stronger and पिछले कुछ दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं. Both of our countries and President Biden's determination is to और President Biden वो चाहते हैं कि ये रिश्ते जो हैं ये और ज्यादा मजबूत हो, ये संकल्प जो है ये और ज्यादा बेहतर होता जाए. And I think that's actually a reflection of the strength of the relationship as it exists already. And you've touched on many of them. So I look forward to getting down to work with you and your colleagues. और ये झलकता भी है यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ और आप और आपके सहयोगियों के साथ काम करना चाहता हूँ. तो कुल मिलाकर गर्मजोशी का जिक्र जो है वो ब्लिंकन की तरफ से भी किया गया है, और जो बड़ी बातें थी जिसकी शुरुआत की भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से जयशंकर ने, वो कोरोना, शुरुआत कोरोना से हुई. लेकिन दूसरे मुद्दे पर अफगानिस्तान का जिक्र रखा, जिस चीज़ का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. इसके अलावा कई और भी मसले थे जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात की गई, आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की गई, व्यापार की बात की गई. लेकिन जो प्रमुख मसले थे, प्रमुख मुद्दे थे, उनमें शुरुआत कोरोना पैंडमिक और अफगानिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको शुरुआत में यहाँ पर रखा गया. मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. मनीष, शुरुआत कोरोना से, एक दूसरे का सहयोग मजबूत बढ़ाने से, लेकिन उसके बाद सीधे मुद्दे पर कि अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाई जाए, वो दोनों देशों के हित में है और इसको लेकर दोनों ही देश कंसर्न है, ये कितना ज्यादा अहम हो जाता है इन तस्वीरों के साथ, जब ब्लिंकन भी कहते हैं कि ये रिश्ता मजबूत हुआ है और वो झलक भी रहा है तस्वीरों में. और इसी वजह से मैं यहां पर हूं ताकि हम आपकी टीम के साथ मिलकर काम कर सकें और उसके रिफ्लेक्शन दिखा सकें. जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, जिन लोगों को ये लगता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के साथ क्या संबंध होगा, उनको आज एंथनी ब्लिंकन के इस स्टेटमेंट के जरिए एक अंदाजा लग गया होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस हिसाब से जाने वाले हैं, खास करके तब जब दोनों देश के विदेश मंत्री एक दूसरे को एक दशक से भी अधिक समय से जानते हैं. और आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और भारत कि एक कई मुद्दों पर सहमति है और हम उस पर आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं. जाहिर है मसला केवल अफगानिस्तान का ही नहीं है, ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है, ये फहरिस्त बहुत लंबी है. वहाँ पर चाहे दोनों भी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में, कोरोना में जिस तरह से अमेरिका ने दूसरी लहर में भारत को सहयोग दिया वो तो सबने देखा, दुनिया ने भी देखा. लेकिन आगे कैसे काम करना है, आगे अफगानिस्तान में कैसे काम करना है, आगे चीन को लेकर कैसे काम करना है. बिल्कुल, अफगानिस्तान में आज की तारीख में जो हालात हैं, जो सुरक्षा हालात हैं, वो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए भी एक कंसर्न है और भारत के लिए भी कंसर्न है. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.